तो फाइनली एवेंजर्स एंड गेम का एक नया ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका है, जो कि अभी तुरंत आया है। लेकिन जब तक ये वीडियो आएगी तब तक ट्रेलर के आए थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिस जो मीटिंग में बातें हुई हैं और स्पॉयलर्स ये चल रहे थे कि हमें मार्वल उसी चीज़ का ट्रेलर बना के दे दे, तो फाइनली मार्वल ने उसी चीज़ का एक ट्रेलर बना के हमको दे दिया है। मैं वो सब बातें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी उस वीडियो में, लेकिन तब भी मैं इसका ब्रेकडाउन करूँगा। ब्रेकडाउन इवनली रेडी है, बस मुझे उसको एडिट करना है। तब तक के लिए इसे जान लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले टोनी स्टार्क अपनी सारी पिछली यादों को एक बार दोहरा रहे हैं और बीच में वो कहते हैं कि किसी की वजह से मैं काफी बुरा फंस गया। और यहाँ पे वो सारी बातें वो ये कहते हैं जो कि उन्होंने आयरन मैन के सफर में देखी। मे बी ये बातें वो तब रिकैप कर रहे होंगे जब उनकी एट अ मोमेंट डेथ होने वाली होगी, और ये मोमेंट एवेंजर्स एंड गेम का लास्ट मोमेंट होने वाला है। लेकिन हम यहाँ टोनी स्टार्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि वो उस स्पेसशिप से वापस अर्थ पे आ गए हों और किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जहाँ पे वो पेपर पॉट से ये सब बातें दोहरा रहे हों। और साथ ही में ये तो जैसे कन्फर्म ही है कि आरडीजे मर जाएंगे, लेकिन आगे हमें न्यूली एवेंजर्स टीम के कुछ हिस्से दिखते हैं, जैसे कि हॉकाय की बेटी जिसे हॉकाय इस समय ट्रेन कर रहा है। पता नहीं वो हमें इस जंग में दिखे या फिर नहीं दिखेगी, लेकिन वो आगे न्यूली एवेंजर्स की टीम में जरूर होगी। लेकिन मूवी में जो बेस्ट पार्ट होने वाला है वो यही होगा कि जो स्टीव रॉजर्स होंगे वो पेगी से मिल जाएंगे और उनसे जो डांस उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डांस करेंगे। और शायद इसीलिए मार्वल ने हमें वो एक सीन दिखाया है। जो बेसिक सीन दिखाए गए हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो हमें पिछले सुपर बोल ट्रेलर में भी दिखाए जा चुके हैं, जिसमें जो बेसिक सीन है वो है टोनी स्टार्क के, कैप्टन अमेरिका के और थॉर के, जिसमें वो लोग अपने रिलेटिव्स को याद कर रहे होते हैं, जिसमें टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को याद कर रहे होते हैं और कैप्टन अमेरिका पेगी को। लेकिन थॉर के मामले में वो पूरे एस्गार्ड को याद कर रहा होता है, क्योंकि थॉर रैग्नारोक से इन्फिनिटी वॉर तक थॉर ने अपना सब कुछ खो दिया और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि उसने अपना इन्फिनिटी वॉर में अपना भाई भी खो दिया था, और इसीलिए वो थैनोस से जंग के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। और हमें एक बार फिर से दिखाया जाता है डिसइंटीग्रेट इफेक्ट, जहाँ पे ब्रूस बैनर, कैप्टन अमेरिका और नताशा साथ में बैठकर कुछ प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर बैकग्राउंड में आवाज हमें ये सुनाई देती है कि सबको तो समझाता हूँ कि भूल जाओ, पर कुछ भूलते हैं पर हम नहीं। ट्रेलर आपको हिंदी में अच्छा लगेगा, उससे कई ज्यादा डायलॉग इसके इंग्लिश में बढ़िया है। स्कॉट लैंग बहुत ही दुखी है क्योंकि उसने अपना बहुत कुछ खो दिया है। उसने अपने काफी ज्यादा करीबी खो दिए हैं, जिसमें शामिल होते हैं डॉक्टर हैंक और वास्प, और एक पेड़ में ही उसने ये सब मिसिंग लगा रखी है ताकि वो इन सबको भूल ना पाए और थैनोस से अपना पूरा बदला ले पाए। तो हमारे एवेंजर्स के साथ थैनोस का रीमैच होगा, ये हम सब जानते थे। लेकिन एक मोमेंट पे ऐसी सीन दिखाया जाता है जो कि पहले हम देख चुके हैं। ये सीन कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं ये ट्रेलर ब्रेकडाउन में तो बताऊंगा ही। तभी सारे एवेंजर्स आक्रोश में एक बार बोलते हैं कि हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। लेकिन यहीं पे टोनी स्टार्क का आखिरी सांस तक कहना बहुत कुछ कह जा रहा है, और जो कि बहुत ज्यादा लीक चल रहे थे, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, वो आखिर कन्फर्म हो ही गया। क्वांटम रियम सूट जो कि डॉक्टर हैंक फिम ने बनाए थे। एट दैट मोमेंट आपका क्या रिएक्शन था ये भी कमेंट करना ना भूले। सो इस मोमेंट पर तो हमारे सारे एवेंजर्स रेडी हो चुके हैं थैनोस से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि टोनी स्टार्क फाइनली हमें दिख चुका है इस ट्रेलर में, और वो भी हमारे लोगों के साथ ही है, एवेंजर्स के साथ है और लड़ने जा रहा है थैनोस से, और उसने भी क्वांटम रियम सूट ही पहने हुए हैं। पर यहाँ जो मिसिंग है वो ये है कि हमें ये नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर हमारा प्रोफेसर हल्क कहाँ है। तो अब वो रूमर्स तो गलत हो गए जो लोग कह रहे थे कि हमारा टोनी स्टार्क स्पेस से नहीं आया है, सिर्फ नेबुला स्पेस से आई है। तो यार ऐसा नहीं हुआ, हमारा टोनी स्टार्क भी सही सलामत स्पेस से आ चुका है, जैसा मैंने आपको बताया था कि टोनी स्टार्क की इतनी मामूली डेथ नहीं हो सकती है। लेकिन इस बार जो एवेंजर्स एंड गेम के बैकग्राउंड में साउंड लगा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग साउंड है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बार जो एवेंजर्स का लोगो है वो रीफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, मतलब कि वर्ल्ड की 50% की पॉपुलेशन को रिजर्व कर लिया जाएगा, मरे हुए सुपर हीरोज को रिजर्व कर लिया जाएगा और कुछ जिंदा सुपर हीरोज मर जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमारी कैरल एंडवर्ड्स के सामने थॉर आ जाता है अपने
हाथ की वैसी पोजीशन बनाता है और उसके सामने आ जाता है उसका स्टॉर्म मेकर, वैसा ही हुआ और वो कहता है आई एम इम्प्रेस, मुझे ये लड़की अच्छी लगी। तो एट दैट मोमेंट यार बहुत बढ़िया होने वाली है ये मूवी। आप मुझे आपका रिएक्शन कैसा था इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ट्रेलर ब्रेकडाउन जल्द ही आएगा तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।